हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है एनटीपीसी की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जैसे कि पता ही होगा, कुछ दिन पहले आपका ईईटी की वैकेंसी यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी जो 2021 में निकली थी, उन पर रिक्रूटमेंट आउट हुआ था विद द हेल्प ऑफ गेट। तो आप सभी लोगों को पता होगा उसमें बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ गेट। अब आपका एक रिजल्ट आउट हो चुका है जो कि उसमें बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आप सभी लोगों का रिजल्ट आउट हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जिस किसी का भी सिलेक्शन हो गया हो दोस्तों, पहले तो वो अपना कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर के साथ में और रैंक के साथ में और ब्रांच के साथ में कमेंट कर देना, जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। और जिनका हो गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अभी ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है क्योंकि इन्होंने 800 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया, 822 भी एक्सेक्ट। ठीक है, उनमें से जितनी भी नंबर पोस्ट होंगी आपकी उन पर सिलेक्शन कर लिया फाइनल में। लेकिन अभी टोटल 820 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया है और सबसे ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया गया क्योंकि मैकेनिकल में वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, लेकिन 400 के आसपास स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया फॉर द मैकेनिकल ओनली। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल वैकेंसीज नहीं है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने कॉल किया। फिर बाद में ये एक लिस्ट और आउट करेंगे जिससे कि बच्चों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी ऑफिशियल साइट पे हूं, एनटीपीसी की ऑफिशियल साइट है careers.ntpc.co.in opening.php। तो ये ऑफिशियल साइट है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बीटेक से, डिप्लोमा से, आईटीआई से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो वहां जाके उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं जिससे कि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ऑफिशियल साइट है एनटीपीसी की, तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे इसमें, तो आपको यहाँ पे करियर करंट ओपनिंग में नहीं आना है, दूसरे नंबर पे एक बॉक्स दे रखा है उसमें अंडर प्रोसेस, एसोसिएट, एडहॉक, ये दोनों तीनों चीज़ दे रखी हैं आपकी। उसमें पहले नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा 6 फरवरी, अभी थोड़ी देर पहले आउट हुआ है आपका, तो ईईटी की वैकेंसी यानी कि इंजीनियर्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनिंग 2021 विद द हेल्प ऑफ गेट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले नंबर पे आपको लिंक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड दे रखा है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपका नोटिस रखा हुआ है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो चलो इसको डाउनलोड कर लेता हूं पहले, जिससे कि सारे बच्चों को पता चल सके। दूसरे नंबर पे आपको वो लिंक प्रोवाइड कर रखी है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जो कि वेरीफाई होंगे। ठीक है, ऑनलाइन अपलोड करना है, सब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सबको ऑनलाइन ही अपलोड करना है। ठीक है, और इन्होंने अभी कोई एड्रेस मेंशन नहीं कर रखा है कि जहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आई थिंक जो भी है सबको ऑनलाइन ही करना है। तो पहले मैं आपको लिंक को डाउनलोड कर लेता हूं, इस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, इन सारे स्टूडेंट्स को मैं डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तो चलो मैं डाउनलोड करता हूं पहले। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका नोटिफिकेशन है जो इन्होंने आज आउट किया है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ ईईटी 2021 यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनिंग 2021। दोस्तों मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया हो उनके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके बाद में दोस्तों जिस किसी का भी सिलेक्शन हो गया हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिस किसी ब्रांच, सिविल की तो वैकेंसी नहीं थी, जिस किसी ब्रांच का हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से अपना स्कोर के साथ में ब्रांच जरूर बताएं, जिससे कि जो भी अदर स्टूडेंट है उनको मोटिवेशन सा मिल सके कि आगे गेट से हमारा इतना स्कोर पे हो सकता है या इतने पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया वो 820 स्टूडेंट्स हैं, वैकेंसीज बहुत कम थी उनके कंपैरिजन में, इतनी भी कम नहीं थी, अप्रॉक्स 100 प्लस थी, तो उनमें आपको टोटल 820 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया गया। और इसमें ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, टोटल 820 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया, उनमें से सबसे ज़्यादा आपका मैकेनिकल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया, 440 के आसपास आपके टोटल मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं। तो इस वजह से इनको फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल भी मत मान के चलना, तो आपका फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एक लिस्ट और आउट होगी उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है। चलो मैं आपको एक लिंक और खोल के दिखा देता हूँ जिसमें आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं दोबारा से साइट पर जाता हूँ जिससे कि आपको मैं दिखा सकूँ, और साइट पर जाके आपको कैसे क्लिक करना है। वैसे वहाँ पर नीचे ही एक दूसरा ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है लिंक ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, तो उसमें लिंक में क्लिक करके आपको वहाँ लिंक पर डाउनलोड करना है। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे अंडर प्रोसेस के अंडर में ही आपको दूसरे नंबर की लिंक मिल जाएगी, आपको लिंक फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसमें दिखाता हूँ आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो उसको ओपन करता हूँ मैं।
दोस्तों जैसे ही आप उसको क्लिक कर लोगे तो आपको ET2021 डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ये रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको, ईमेल आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, ठीक है। तो उसमें डालने के बाद में आपको अंदर एक और इंटरफेस ओपन होगा, उसमें अपने टोटल जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, उनके सामने आपको अपलोड करना है। देखो अभी इन्होंने ऑफलाइन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट करने के लिए कहाँ जाना है वो नहीं बता रखा है। जैसे फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद में ये आपको एड्रेस देंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनमें से पहले फाइनल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर उन फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफलाइन का एड्रेस देंगे, ठीक है, सबको नहीं बुला रहे हैं। तो ये इनका ऐसे रहा। तो दोस्तों फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, जिस किसी का सिलेक्शन हो गया हो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्टली। सेकंडली दोस्तों जिस किसी का भी सिलेक्शन हो गया हो वो अपने स्कोर के साथ में अपनी ब्रांच भी मेंशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, या टेलीग्राम में जाके भी कर सकते हो, जिससे कि और भी स्टूडेंट हैं आप जैसे उनको महत्व पता चल सके गेट का, और उनको पता चल सके कितने नंबर पर आप उनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। दोस्तों आई थिंक आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं किसी ऑथेंटिक प्रूफ इंफॉर्मेशन के साथ में, विद न्यू रिक्रूटमेंट और न्यू इंफॉर्मेशन के साथ में। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार में। दोस्तों अगेन यू हैव अचीव्ड अ लॉट एंड आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।